अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम मतंजन बना रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। दो गिलास चावल है, मैंने एक घंटा हो गया भिगो दिया है ना, और ये दो गिलास ही मैंने ना पौने दो गिलास ही चीनी लिए, क्योंकि दो गिलास चावल है और पौने दो गिलास चीनी है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, किशमिश है, ये खोपरा मैंने कट कर लिया, और ये हाफ कप मेरे पास में देसी घी है ये रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। बीच में छुआरे और मैंने लौंगे डाल दी, और मैं अब चावल डालूंगी। अल्लाह रहमान रहीम, ये मैं चावल डाल रही हूँ इसमें। अच्छा व्यूअर्स देखें, ये ना चावल बॉयल हो रहे हैं। देखें ये मेरे चावल बॉयल हो गए, और मैं ना इसका पानी निकालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स देखें मैंने ये ना देसी घी डाल ली है, और अब मैं ये ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं ड्राई फ्रूट मैंने डाल ली है, थोड़े से हल्के से रोस्ट किए हैं, हल्के से आँच पे डाल दूंगी। अच्छा मैं अब ये चीनी डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये थोड़ा सा दूध हाफ कप ना, जिसमें हमारी चाट पक जाएगी। हमारी चाट बन रही है, बस चीनी को ही मैंने मेल्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना। देखें ये हमारी चाश हो गई है, इतने ही हमें चाहिए बस। मैं चावल डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं चावल डालूंगी। थोड़े थोड़े डालते जाएंगे, ये लाते देखें। ये मैंने ना चावल डाल दिए इसमें और मिक्स कर दिए। अब ये ना हाई फ्लेम मैंने रखा हुआ, ये जो है ना इसमें पानी वो खुश्क हो जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अभी बस देखें, ये मैंने ना थोड़ा 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 सा दूध लेके ना, तो उसमें दो दो चुटकी कलर डाल के, तो उसमें मैंने ये थोड़े से ये ग्रीन और थोड़ा रेड और ये थोड़ा येलो कलर ना लगा दिया था, मैंने ना निकाल के तो उसमें डाल दिया। मैं ये ड्राई फ्रूट डालूंगी और इसे दम पे रखेंगे दर्दे को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये व्यूअर्स देखें, ये हमारा दम हो गया बहुत प्यारा सा दर्दे को, और मैं इसे मिक्स करूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूअर्स देखें, ये हमारा बहुत प्यारा सा मतंजन तैयार हो गया, तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये मैंने थोड़ा सा खोया रखा है, ये मेरा होममेड है, तो ये भी मैं रेसिपी किसी दिन दूंगी इंशाल्लाह। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे।